नमस्कार। क्राइम अपडेट में जुर्म की कुछ सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या की कोशिश समेत कई संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले एक कुख्यात अपराधी की चालों को किया नाकाम और पहुंचाया उसे सलाखों के पीछे। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करने में दिल्ली पुलिस हमेशा ही प्रयास करती रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दिल्ली और दिल्ली के बाहर से अपनी गतिविधियां चला रहे दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों पर अपनी कड़ी नजर जमाए रहती है और उनकी चालों को ध्वस्त करते हुए उन्हें समय समय पर सलाखों के पीछे भी पहुंचाती रहती है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच को कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल कुख्यात गोगी गैंग के शार्प शूटर करमवीर के मेहरौली क्षेत्र के एक फार्म हाउस में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली। करमवीर पर हत्या, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और हरियाणा में दर्ज हैं। सूचना काफी महत्वपूर्ण थी, इसीलिए फौरन एक टीम का गठन कर दिया गया। बहादुरगढ़ में भी ये कई वारदात में इन्वॉल्व था और हमारे केएन काजू पुलिस स्टेशन के एक मर्डर केस में पैरोल जम कर गया था, तो हम लोगों को इसकी सूचना मिली कि ये दिल्ली के ही मेहरौली के एरिया में एक फार्म हाउस में, जो मोस्ट प्रोबेबली इसके मैटरनल रिलेशंस का है, वहाँ पर ये आके रात में रुकता है। दिल्ली में रुक के बहादुरगढ़ जाके ये बार बार क्राइम करके, मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस करके यहाँ पर आकर ये रात में अपना पनाह घर बना लिया था। पुलिस टीम को अपराधी करमवीर के छिपने के ठिकाने के लिए रवाना कर दिया गया। संभावित जगह पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र की रेकी की गई और उस फार्म हाउस पर छापा मारा गया जहां अपराधी करमवीर के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस को देखकर आरोपी ने अपनी कार से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई भी मौका दिए बिना उसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक विदेशी पिस्टल और दो भरी हुई मैगजीन बरामद किए हैं। ये फार्म हाउस है गदाईपुर में, वहां पर हम लोगों ने रेड किया और जब ये पुलिस टीम को देखा तो भागने लगा, तो इसको हम लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी करमवीर उर्फ काजू ने बताया कि साल 2003-04 में उसने दिल्ली के किशनगंज अखाड़े में कुश्ती शुरू की थी। इसी दौरान वो दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय अपराधियों और गैंगस्टर्स के संपर्क में आया। इसी बीच करमवीर पहले कुख्यात करतार मंडोठी गैंग और राजेश बवानिया गैंग से भी जुड़ा था, बाद में ये जितेंद्र गोगी गैंग में शामिल हो गया। अपराध की दुनिया में अपने शुरुआती दौर में इसने दिल्ली के रहने वाले एक शख्स हिम्मत की हत्या की थी। इसके बाद वर्ष 2016 से इसने दिल्ली के बड़ा खेड़ा के मूल निवासी बबलू और धीरज के लिए काम करना शुरू कर दिया। धीरज के निर्देश पर करमवीर ने अनिल उर्फ बंटू नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बाद में इसे इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अक्टूबर 2020 में ये इस मामले में एक महीने के लिए पैरोल पर बाहर आया, लेकिन पैरोल की अवधि पूरी होने पर इसने आत्मसमर्पण नहीं किया। अप्रैल 2021 में इसने एक शख्स करमवीर उर्फ छोटू को मारने की कोशिश की, लेकिन गोली लगने के बावजूद वो बच गया। सितंबर 2021 में इसने एक शख्स कृष्ण की हत्या कर दी, क्योंकि उसे संदेह था कि दिल्ली हत्या मामले में उसकी गिरफ्तारी के पीछे कृष्ण का ही हाथ था। सबसे पहला इसने अपने कजन का केबल बिजनेस में जो झगड़ा चल रहा था अंबेडकर नगर थाने में, उसमें सबसे पहला अरेस्ट हुआ इसका। और उसके बाद फिर ये करतार मंडोसी गैंग में शामिल हो गया। फिर इसने पहला मर्डर किया, इसके बाद ये राजेश भवानिया गैंग में आ गया और इसके बाद लगातार इसका क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ता चला गया।
करीब टोटल आज तक इसका 17 केस है, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक करने का। अभी हाल में ही बहादुरगढ़ एरिया में इसको हरियाणा पुलिस ने सराउंड कर लिया था, तो हरियाणा पुलिस पर इसने गोली चलाकर बचकर निकल गया वहां पर। गौरतलब है कि करमवीर ने गोगी गिरोह के सरगना रोहित मोई को हरियाणा के किसी अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से भगाने की योजना बनाई थी। साथ ही उसकी योजना एक अपराधी प्रवेश मान के परिवार के सदस्यों को भी मारने की थी, क्योंकि प्रवेश मान ने उसे हिरासत में मारने की कोशिश की थी। वहीं इसने कोर्ट में पेशी के दौरान दुर्दांत अपराधी टिल्लू ताजपुरिया को उसी अंदाज में मारने की योजना बनाई थी जिस तरह से टिल्लू ने रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या करवाई थी। इस गिरफ्तारी से हम लोगों ने 3 संभावित क्राइम की घटना को चेक करने का काम किया है। पहला कि इसका जो प्लानिंग चल रहा था कि किसी भी दिन टिल्लू तेजपुरिया का कोर्ट में पेशी होता कहीं भी, तो उसको उसी हिसाब से मारता जिस तरह से उसने टिल्लू ने जितेंद्र गोगी का कोर्ट प्रेमिसिस में, रोहिणी कोर्ट प्रेमिसिस में मर्डर किया था। दूसरा, प्रवेश मान के फैमिली को ये, वो भी एक नोटोरियस क्रिमिनल है, अभी जेल में है, उसके फैमिली के मेंबर्स को ये नुकसान पहुंचाता। और तीसरा, जो जितेंद्र गोगी का अभी सबसे टॉप कमांड पर है रोहित मोई, इसको ये भी कोर्ट से भगाने का कोशिश करता। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और दिल्ली से बाहर सक्रिय कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की विशेष मुहिम छेड़ी हुई है, ताकि नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। लेकिन हम लोगों का भी ये फर्ज बन जाता है कि अगर हमें अपराध या अपराध से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं, ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। हैकिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें हैकर्स, सॉल्वर, प्रशिक्षक और कोचिंग संस्थान के मालिक हैं। ये सभी GMAT सहित प्रतिष्ठित ऑनलाइन परीक्षाओं के परिणामों को हैक करने और उनमें हेर फेर करने के गोरख धंधे में शामिल हैं। ये रिमोट से ऑपरेट होने वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर उसके जरिए परीक्षाओं को हैक कर लेते थे और उनके परिणाम को प्रभावित कर देते थे।
इसके लिए इन्होंने कई ऑनलाइन प्रयोगशालाएं खोल रखी थी। सुरक्षा उपायों और परीक्षा नियंत्रक भी इस तकनीक का पता नहीं लगा पाते थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक राज तेवतिया हैकिंग मास्टरमाइंड है और इसको पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, जबकि कई अन्य मामले में सीबीआई को भी इसकी तलाश थी। पुलिस को परीक्षाओं में हेर फेर की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मुंबई में 10 दिनों का लंबा अभियान चला, ये सफलता हासिल की है। लास्ट 2 साल से ये मॉड्यूल एक्टिव था, जिसके कि जिसमें ये हर तरीके का एग्ज़ाम करवा रहे थे। हमने जो एग्ज़ाम बस्ट किया है ये जीमैट एग्ज़ाम किया है। जीमैट में हमारा ही दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मनप्रीत को हमने डिकॉय कस्टमर बना के ये पूरी डील स्ट्राइक करी थी और मनप्रीत का स्कोर 780 आउट ऑफ 800 आया, जो कि 97% है, जो कि काफ़ी हाई है जीमैट के लिए टू गेट एडमिशन टू एनी रिप्यूटेड एमबीए इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड। पुलिस ने इनके कब्जे से गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनामी गैंगस्टर अनिल दुजाना और उसके 2 साथी सचिन गुर्जर और रकम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में अपने दुश्मन से बदला लेने की योजना बना रहे थे। अनिल दुजाना पर पुलिस ने नोएडा में आपराधिक धमकी के मामले में 50,000 रुपए, जबकि यूपी के बुलंदशहर में रंगदारी के केस में 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खूंखार गैंगस्टर जो हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के करीब 50 मामलों में शामिल रहा है, मंडावली इलाके में छिपा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापेमारी की और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बड़ी सटीक सूचनाएं मिल रही थी कि अनिल दुजाना अपने साथियों के साथ या तो मंडावली इलाके में या फिर करकड़ुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये किसी न किसी पर अटैक करेगा। इनकी आपस की पुरानी रंजिशें हैं, दुश्मनी है। उस हिसाब से हम लोगों ने मंडावली एरिया में जब इनकी खोज शुरू करी तो एक रात में एक गाड़ी में एक अकेला शख्स बैठा हुआ था, तो उसका उस समय वहाँ पर होना एक अजीब सा लगा। तो हमारी क्राइम टीम ने वहाँ पर उससे पूछताछ की, पूछताछ में ही उसके पास से एक पिस्टल बरामद हो गई। फिर उसके बाद उसका सस्टेंड इंटरोगेशन किया गया तो वो हमें अनिल दुजाना के पास ले गया। इस तरह से हम लोगों ने एक पॉसिबल फ्यूचर गैंग वार जो है दिल्ली में, ये दिल्ली के एनसीआर एरिया में अवर्ट किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 जिंदा कारतूस सहित 2 लोडेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद कर ली हैं। मध्य जिला पुलिस ने 2 कैब ड्राइवरों की लूट के बाद हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपी अक्कू उर्फ आकाश और जुनैद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे की लत के शिकार हैं। नशे की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने कैब बुक कर लूटपाट करने की साजिश रची थी। योजना के तहत इन्होंने कैब बुक करने के लिए सबसे पहले चोरी के मोबाइल फोन का बंदोबस्त किया ताकि वारदात के बाद पुलिस उन तक ना पहुंच सके। इसी फोन से इन्होंने एक कैब बुक की और कुछ ही दूरी पर जाकर कैब ड्राइवर की गला घोंटकर हत्या कर दी और लूटपाट कर फरार हो गए। इसी तरह से आरोपियों ने आनंद पर्वत इलाके से बुक की गई दूसरी कैब के ड्राइवर की भी लूटपाट के इरादे से हत्या कर दी थी। पहली वारदात जो उन्होंने किया है वो ओला कैब बुक किया है कमरटी पॉइंट से, और उस इसमें छविनाथ नाम का एक चालक है, ऑटो चालक है, जिनकी उम्र 28 साल के आसपास है, नोएडा का रहने वाला है। तो उसको मर्डर कर दिया, उसके बॉडी को इन्होंने भारत नगर के इलाके में डंप कर दिया। उसके बाद गाड़ी को आगे जाके नॉर्थ के इलाके में प्रताप नगर के आसपास छोड़ दिया कहीं। फिर उसी रात वापस आए, इन्होंने कुछ और नशा किया
और फिर दोबारा प्लान बनाया कि हम एक और करते हैं, और उसमें इन्होंने उबर की कैब बुक करी उसी चोरी के नंबर से, और उसमें हमारा जो विक्टिम है अमित अनिल यादव 49 इयर्स के हैं, महावीर अंकले के रहने वाले उबर के ड्राइवर, इसका इन्होंने हत्या कर दी। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन सहित एक लूटी गई कार की चाबी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक शातिर जालसाज अरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पोंजी स्कीम में पैसा लगवाकर भोले भाले लोगों को चूना लगा रहा था। इसके लिए इसने अपने साथियों के साथ मिलकर बाकायदा एक फर्जी फर्म बना रखी थी। इसमें निवेश करने पर 15 महीने में रकम दुगनी करने का लालच देकर ये लोगों से अच्छी खासी रकम हड़प लेते थे। ऐसे ही इनके झांसे में आकर एक शख्स ने करोड़ों रुपए इनकी फर्म में जमा करा दिए थे। मैच्योरिटी लिमिट पूरी होने के बाद भी इन्होंने निवेशक को ना तो उसका मूलधन लौटाया और ना ही किसी प्रकार का रिटर्न ही दिया। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फर्जी लूटपाट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने आरोपी शाहबाज को गिरफ्तार किया है। सब्जी मंडी इलाके में एक दुकान में हुई लूट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। शाहबाज अपने एक रिश्तेदार की दुकान चलाता था। इसी के तहत पुलिस ने शिकायतकर्ता से वारदात की जानकारी लेने के साथ साथ घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहनता से छानबीन की। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस का शक शिकायतकर्ता शाहबाज पर ही गहरा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने नकली लूटपाट को अंजाम देने की बात को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि लूटे गए पैसों को वो अपने इस्तेमाल के लिए लाना चाहता था। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटे गए 61,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले वर्ष छत्रसाल स्टेडियम में एक पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की वारदात में शामिल एक वांछित अपराधी परवीन डबास को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पकड़ से ये लंबे समय से बचता फिर रहा था। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रवीण अपने किसी साथी से मिलने के इरादे से अपने गांव मदनपुर डबास आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर अर्जुन नागिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी महंगी स्पोर्ट्स बाइक और कारों का शौकीन है और स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट भी आयोजित करता था। ये घूमने के लिए नियमित रूप से हिल स्टेशनों पर भी जाता था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए ये नशीले पदार्थों की तस्करी में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ सप्लाई करने के इरादे से एक तस्कर रोशनारा बाग के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन और इसे सप्लाई करने में इस्तेमाल एक कार भी जब्त कर ली है। वेलकम इलाके में एक शख्स की हुई जघन्य हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने आरोपी अफसर को गिरफ्तार किया है। मृतक के पिता ने अपने बेटे की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दिए जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी के तहत पुलिस ने स्थानीय सूत्रों से मिली सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महज 24 घंटे के अंदर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी वेलकम इलाके का बीसी है जो चोरी और स्नैचिंग के कई मामलों में शामिल रहा है। मृतक सलीम और आरोपी दोनों दोस्त थे और एक ही ठेकेदार के यहाँ पेंटर का काम करते थे। ठेकेदार सलीम को लगातार काम दे रहा था जबकि आरोपी को काम देना बंद कर दिया था। इसी खुन्नस में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल 2 चाकू भी बरामद कर लिए हैं।
दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर साहिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करने के गैर कानूनी धंधे में लगा हुआ था। गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अवैध शराब लेकर एक तस्कर पालम इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 120 कार्टन अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले दो आरोपी जतिन गुलराजनी और राजकुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने डीडीए से एमटीएनएल एम्प्लॉयज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर जमीन लेने का दावा किया था। इस सोसाइटी में लोगों को सस्ते दरों पर फ्लैट देने के लिए आरोपियों ने विज्ञापन भी दिया था ताकि विज्ञापन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके। झांसे में आए लोगों से इन्होंने फ्लैट बुकिंग के नाम पर पैसे ले लिए और इसके बाद ना तो उन्हें फ्लैट दिए और ना ही उनके पैसे वापस लौटाए। इस तरह से इन्होंने 45 निवेशकों से 4,60,00,000 रुपए ठग लिए थे। पीड़ित निवेशकों से ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल में एमटीएनएल एम्प्लॉयज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी को फर्जी पाया। साथ ही सोसाइटी द्वारा डीडीए से भी किसी भी प्रकार की जमीन लेने की बात भी सामने नहीं आई। आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपी कुंदन कुमार और विकास को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों का सपना बिहार की राजधानी पटना में अपना घर खरीदने का था क्योंकि अभी ये यहाँ एक किराए के घर में रह रहे थे। जल्द पैसा कमाकर घर खरीदने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये गांजा तस्करी करने लगे। ये बिहार से मादक पदार्थ लाकर दिल्ली में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लग गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो शख्स मादक पदार्थ की डिलीवरी करने झड़ौदा कला एक्सटेंशन में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 54 किलो गांजा बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले कुख्यात गैंगस्टर अजय गुर्जर उर्फ भाई जी को गिरफ्तार किया है। अजय पर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और धमकी सहित आर्म्स एक्ट के 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिलचस्प बात यह है कि अजय ताइक्वांडो का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर 8 गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। पिछले दिनों तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर की हत्या हुई थी। अजय गुर्जर को लगता था कि इस हत्या में तिहाड़ जेल के एक निलंबित डिप्टी जेलर का हाथ है। इसका बदला लेने के लिए अजय प्लानिंग कर रहा था। अजय जब अपने एक साथी सत्ते से जेलर की हत्या सहित अपने विरोधी गैंग को निपटाने के लिए AK-47 राइफल का इंतजाम करने की बात कर रहा था तो इसका ऑडियो वायरल हो गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने सत्ते को तो पहले ही दबोच लिया था लेकिन अजय गुर्जर अभी तक फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी बदरपुर इलाके में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मामा, क्या आपने
आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।